गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर स्टार्ट ऑन चैप्टर 3. चैप्टर 3 नेम एडिशन ऑफ नंबर अप टू 20. इसमें हम 20 तक के नंबर तक को ऐड करेंगे. फर्स्ट नंबर हमारा है पेज नंबर 124. चैप्टर 3 पेज नंबर 124. फर्स्ट क्वेश्चन है 5 + 7. तो 5 के सामने हम 5 सर्कल बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5. 7 के सामने 7 सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड काउंट, यहाँ पर हम काउंट तो करेंगे लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम इसे ग्रुप पर डिवाइड करेंगे. तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5. तो हमने 5 का पेयर बना लिया. तो 5 और 5 बॉल्स टोटल 10 बॉल्स हो गई और 2 बॉल्स बाहर रह गई. तो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये नंबर हुआ 10 + 2 = 12. तो यहाँ पर हमारा जो नंबर फिल करेंगे वो हम 12. इसी तरह हम यदि इसे काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो हमारा जो नंबर आया है वह है 12. इसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा वह है 6 + 7. नेक्स्ट नंबर है 6 + 7. तो यहाँ 6 के सामने हम 6 सर्कल बनाएंगे एंड 7 के सामने हम 7 सर्कल बनाएंगे. तो यहाँ पर हम इसे 5 के पेयर्स में डिवाइड करते हैं. ये हो गया हमारा 5 का पेयर. देन 5 के पेयर्स के बाद यहाँ 3 बॉल्स लेफ्ट रह गई है बाहर. तो हम इसके हमारा 13. तो हमारा आंसर विल बी 13. इसी तरह से अभी हम एडिंग 2 डिजिट एंड सिंगल डिजिट नंबर वाला प्लस करेंगे. यहाँ पर अब हम 2 डिजिट के लिए करेंगे 13 + 6. तो 13 के लिए हम यहाँ 13 बॉल्स बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. एंड 6 के सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसे हम 10 के नंबर में डिवाइड करते हैं. हम 1, 2, 3, 4, 5, 5 का पेयर बनाते हैं. तो यहाँ पर हो गया टोटल बॉल्स 10. वो बाकी जो बची है वो नंबर कितनी बॉल्स रह गई है बाहर लेफ्ट, इसे काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 बॉल्स बाहर रह गई. तो 10 + 9 टोटल 19. तो हमारे बॉक्स में नंबर आ जाएगा 19. अब फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. हमें यहाँ पर नंबर्स को आगे बढ़ाते हुए फॉरवर्ड काउंटिंग में से प्लस करना होगा. पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3. इसमें हमें ऐड करना है बट फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ. 8 + 3 है. तो 8 + 3, यहाँ पर 8 के बाद में 3 बॉक्स बने हुए हैं. तो हमें 8 के बाद 3 नंबर्स को 8 के बाद की 3 काउंटिंग लिखना है, 9, 10, 11. तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11. तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे 11. यहाँ पर हमें बिना सर्कल में के फॉरवर्ड काउंटिंग से आगे नंबर बढ़ाते हुए प्लस करना रहेगा. नेक्स्ट नंबर है हमारा 8 + 5. तो यहाँ पर 3 के बाद ही 2 कॉलम बनाएंगे हम, टोटल 5 बॉक्सेस. तो हम 5 को 8 को हम 5 बॉक्सेस में फिल करेंगे काउंटिंग. 8 के बाद 9, 10, 11, 12 एंड 13. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13. नेक्स्ट नंबर है 12 + 7. तो हम 12 + 7 के लिए काउंट करेंगे, 12 + 7. तो 12 के बाद में 7 बॉक्स बनाएंगे. ट्वेल्व
इंटरवल के बाद सेवन बॉक्स में हम नंबर फॉरवर्ड काउंटिंग में काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमारा लास्ट नंबर हुआ 19, तो हमने 19 कर दिया। इसी तरह से आप आगे के नंबर्स के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। मिस्टर सिंह हैज 6 एप्पल। मिस्टर सिंह के पास 6 एप्पल हैं। मिस्टर मनी हैज 5 मैंगोज। मिस्टर मनी के पास 5 मैंगोज है, तो दोनों के पास हाउ मेनी फ्रूट्स डू दे हैव, तो उन दोनों के पास टोटल कितने फ्रूट्स हो गए, तो 6 है, तो 6 और 5 को प्लस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 आप काउंट करेंगे हम सभी को कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये हो गया हमारा नंबर। दोनों के पास मिलाकर दोनों के पास 11 फ्रूट्स हो गए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जार कंटेन 11 स्वीट्स। एक जार में 11 स्वीट्स हैं एंड अनादर कंटेन 8 स्वीट। दूसरे कंटेनर में 8 स्वीट्स हैं, तो दोनों कंटेनर में कितने स्वीट्स हैं, तो फर्स्ट कंटेनर में 11 स्वीट्स हैं, तो हमने 11 लिखा। सेकंड में जार में 8 स्वीट थे, तो दोनों में कितना हुआ, तो 11 के बाद में हम 8 नंबर का 11 के सामने इसको इस प्रोसेस में 11 के सामने 8 बॉक्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11 के बाद में हम नंबर काउंटिंग करेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमारा आंसर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक 6 बुक्स वर कैप्ट ऑन द टेबल। टेबल पर 6 बुक्स रखी हुई हैं एंड 6 वर लाइंग अंडर द टेबल, और 6 बुक टेबल के नीचे रखी हुई है, तो टोटल कितनी बुक्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल कितनी बुक्स हैं वहां पर। तो हम यहाँ पे 6 के बाद में 6 बॉक्सेस बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो टोटल कितनी बॉल रख बॉक्स, टोटल 6 बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्या परचेज 7 बलून्स एंड हर सिस्टर शीला परचेज 6 बलून। विद्या ने 7 बलून परचेज किया खरीदा एंड उसकी सिस्टर शीला ने 6 बलून खरीदे, तो दोनों ने के पास टोटल कितने बलून्स हो गए, तो 7 के बाद में हम 6 बॉल्स 6 बॉक्सेस बनाएंगे। अब हम काउंटिंग करते हैं फॉरवर्ड 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमारा आंसर 13 हुआ, तो दोनों के पास टोटल 13 बलून्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन अ ट्री। 8 बर्ड्स हैं जो ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं। 5 मोर ज्वाइन देम, उसमें 5 बर्ड्स ने उन्हें और ज्वाइन किया, तो उनके पास टोटल हाउ मेनी बर्ड्स नाउ सिटिंग ऑन अ ट्री, तो उस ट्री पर टोटल कितने बर्ड्स आ चुके हैं। तो फर्स्ट में तो पहले से ही 8 बर्ड्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं ट्री पर, 5 बर्ड्स ने उन्हें और ज्वाइन किया, तो टोटल कितने बर्ड्स हो गए। 8 के बाद में हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे, 8 के बाद के नंबर 9, 10, 11, 12, 13 तो टोटल 13 बर्ड्स ट्री पर बैठे हैं। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है।
Thank you.